कौन था मेघनाथ जिसे भगवान राम भी नहीं मार सकते थे। हिंदू ग्रंथों में सबसे प्रसिद्ध गाथा रामायण की है, जिसमें इतने विभिन्न प्रकार के चारित्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें से प्रत्येक चारित्र को अपने जीवन से कुछ महत्वपूर्ण सीख देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में रामायण में बताए गए किसी एक भी चारित्र को जीवन के अनुसार करता है, यह निश्चित है कि वह अपने जीवन में ना तो कभी हार सकता है, ना तो कभी निराश हो सकता है। ऐसी अद्भुत चारित्रों के बारे में आज हम आपको विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं, जिसका नाम आप प्रत्येक वर्ष ही सबकी जुबान पर सुनते होंगे। वह नाम है मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। आज हम इंद्रजीत के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में विस्तार पूर्वक उल्लेख करने वाले हैं, ताकि आप राक्षस कहने जाने वाले इंद्रजीत के जीवन से कुछ प्रेरणा ले सकें। कौन था इंद्रजीत? कौन था ये मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी हम सब संबोधित करते हैं? एक महान योद्धा के रूप में देखे जाने वाला मेघनाथ लंकापति रावण का सबसे बड़ा पुत्र था। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी मेघनाथ की माता, जिन्होंने इतने शूरवीर पुत्रों को अपनी कोख से जन्म दिया था, मेघनाथ नाम क्यों दिया गया? इसके पीछे भी एक रोचक तथ्य छुपा हुआ है। ऐसा बताया जाता है हमारे ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया है कि जब मेघनाथ का प्राकट्य हुआ था, तब उसके रोने की आवाज एक साधारण बालक की तरह बिल्कुल नहीं थी, बादल के गड़गड़ाहट की तरह सुनाई पड़ती थी उसकी आवाज, जिसकी वजह से उस बालक का नाम मेघनाथ रख दिया था। मेघनाथ रावण का बड़ा पुत्र होने के साथ साथ लंका का युवराज भी था, जिसे रावण बेहद प्यार करता था। जितना बड़ा महान विद्वान ज्योतिषी रावण था, उससे भी कई ज्यादा गुणवान महान योद्धा और सबसे बड़ा ज्ञानी वह अपने बेटे मेघनाथ को बनाना चाहता था। अपने पुत्र को अजर अमर बनाने की कामना को लेकर त्रिलोक विजेता रावण ने सभी देवताओं को अपने पुत्र के जन्म के समय एक ही स्थान अर्थात 11वें घर में विराजमान रहने के लिए कहा गया। मेघनाथ के पैदा होने से पहले ही रावण को इतना ज्यादा मोह अपने पुत्र से हो गया था, इसी कारण ग्रहों की चाल को ही बदलने की कोशिश कर रहे, परंतु भगवान तो अपनी माया अपने अनुसार ही रखते हैं। इसलिए शनि देव ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया और सारे ग्रहों के अलग 12वें ग्रह में जाकर बैठ गया, ताकि मेघनाथ अजर अमर की उपाधि ना प्राप्त कर सके। और ऐसा ही हुआ, मेघनाथ को अजर अमर की उपाधि नहीं प्राप्त हुई और इसी कारण से रावण शनिदेव से बहुत ही निराश था। आगे जानते हैं मेघनाथ को मिला ब्रह्मदेव का वरदान। आखिर कैसे मिला मेघनाथ को ब्रह्मदेव का वरदान? पौराणिक कथों के कथन के अनुसार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए जब रावण ने स्वर्ग के देवताओं पर आक्रमण कर दिया था, तब उस समय मेघनाथ भी उस युद्ध में रावण के साथ था। तब एक जगह जब रावण पर इंद्र ने प्रहार करना चाहा, तो मेघनाथ ने अपने पिता को बचाने के लिए आगे आया और उसने एक ही बार इंद्र और इंद्र के वाहन ऐरावत पर हमला कर दिया। उसे वहां पर सभी देवताओं के साथ साथ इंद्र को भी इस युद्ध में हरा दिया, जिसके बाद मेघनाथ को इंद्रजीत की उपाधि से संबोधित किया जाने लगा। मेघनाथ जब स्वर्ग से निकलने लगा, तो उसने इंद्र को भी अपने साथ ले लिया और अपने रथ पर बैठकर लंका में लिया। रावण स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहता था, क्योंकि विजय तो उसने प्राप्त कर ही ली थी, परंतु स्वर्ग और रावण के बीच में एकमात्र कांटा था, सिर्फ इंद्र ही था, जिसे मिटाने के लिए रावण और मेघनाथ दोनों ने ही तैयार हो गए थे। परंतु जब ब्रह्मा जी को रावण के इस फैसले का ज्ञान हुआ, तब वे तुरंत लंका की ओर निकल गए। वहां जाकर उन्होंने मेघनाथ से निवेदन किया कि वह इंद्र को मुक्त कर दे, परंतु इंद्रजीत इस बात को मानने के लिए राजी नहीं था। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यदि इंद्र को छोड़ देते हो, तो मैं उसके बदले तुम्हें एक वरदान देने का वचन देता हूँ। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के इस वचन का फायदा उठाते हुए उसने अमरता का वरदान प्रदान करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को समझाया और कहा कि अमर होना इस प्रकृति के किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह तो प्रकृति के खिलाफ है। तब उन्होंने इंद्रजीत से कहा कि वह कोई दूसरा वरदान मांग ले। इंद्रजीत ने अपनी बात पर अटल रहा। तब ब्रह्मा जी ने अपने इंद्रजीत को कहा कि यदि वह अपनी मूल देवी निकुंभला देवी का यज्ञ करेगा और वह यज्ञ जब संपूर्ण हो जाएगा, तब
एक ऐसा रथ प्राप्त होगा जिस पर बैठकर वह किसी भी शत्रु के सामने युद्ध में पराजित नहीं हो पाएगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। परंतु ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत को यह कहते हुए भी सावधान किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा होगा जो मेघनाथ का अंत कर पाएगा। वह केवल वही व्यक्ति होगा जो 12 वर्षों तक ना सोया हो। इसी वरदान के कारण केवल लक्ष्मण ही ऐसा मानो था जो इंद्रजीत को मृत के घाट पर उतार सकता था, क्योंकि वह वनवास के दौरान लगातार 14 वर्षों तक ना सोया था। इसी कारण राम रावण युद्ध के दौरान युद्ध क्षेत्र में लक्ष्मण के हाथों ही मेघनाथ का अंत हुआ। आखिर मेघनाथ इतना शक्तिशाली क्यों था? ऐसी कौन सी शक्तियां मेघनाथ के पास थी? ऐसा कहा जाता है कि मेघनाथ ही केवल एक ऐसा व्यक्ति आज तक हुआ है जो तीनों देवों से प्राप्त शक्ति अर्जित कर पाया है। जी हाँ, तीनों देवताओं में आने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों के द्वारा प्रदान की गई तीन प्रकार की अलग अलग शक्तियां इंद्रजीत के पास मौजूद थे। इसी वजह से वह ब्रह्मांड का सबसे महान योद्धा कहलाया गया था। इंद्रजीत ने अपनी शास्त्र शिक्षा गुरु शुक्र से प्राप्त की थी और उन्हीं से उन्होंने देवताओं के शस्त्र प्राप्त किए थे, जिनका नाम था ब्रह्मास्त्र, विष्णुअस्त्र और पशुपति अस्त्र। इसके इन सबके अलावा उन्होंने कई अलग अलग प्रकार की जादुई और सम्मोहन शक्तियाँ को प्राप्त किया था, जिसकी वजह से मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके राम लक्ष्मण दोनों को ही फंसा दिया था। इंद्रजीत के बल का व्याख्यान जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि वह एक अकेला ही ऐसा योद्धा था जिसने एक दिन के युद्ध में 64 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। एक ही वार में 64 मिलियन वानरों को मौत के घाट उतार दिया था। सोचिए दोस्तों, लंका में वहां एक अकेला ही एक ऐसा योद्धा था जो पूरी वानर सेना को अपनी एक ही गर्जना से पूरी तरह बिखर कर रख सकता था, परंतु उसमें आए शक्तियों के घमंड की वजह से वह अपनी बुद्धि का सही उपयोग ना कर सका। इसी कारण बेहद शक्तिशाली और बुद्धिमानी मेघनाथ की मौत हो गई। मेघनाथ के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इंसान भले कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे घमंडी नहीं बनना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी और रोमांचक और होश उड़ा देने वाली कहानी हमारे साथ ब्रेन स्ट्रोमिंग पर। धन्यवाद।